आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। 145 करोड़ के सीवरेज प्लांट में घोटाले का आरोप लगा है। देखिए, भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया, रामपुर में नियमों के खिलाफ सिविल लाइन बिछाई गई। आकाश सक्सेना जो विधायक है भाजपा के, उनकी तरफ से यह आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की शिकायत की है। तो कुल मिलाकर आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब दरअसल आजम खान पर एक बड़ा आरोप आकाश सक्सेना ने लगाया है और 145 करोड़ के सीवरेज प्लांट में घोटाले का आरोप है। कुल मिलाकर अब ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं ये कहा जाए, क्योंकि आकाश सक्सेना ने एक पत्र भी लिखा है और इस पत्र के जरिए शिकायत किया उन्होंने, आरोप लगा रहे हैं कि सीवरेज प्लांट में स्कैम हुआ है, जिसमें जो 154 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था उसमें घोटाला किया गया है। ये आरोप आकाश सक्सेना की तरफ से लगाए गए हैं। रामपुर से विधायक है आकाश सक्सेना भाजपा के, और उन्होंने गंभीर आरोप आजम खान पर एक बार फिर से लगाए हैं और सीएम से उन्होंने शिकायत भी की। एक पत्र के जरिए 145 करोड़ के सीवरेज प्लांट में स्कैम में फंसते नजर आ रहे हैं आजम खान, क्योंकि शिकायत आकाश सक्सेना की तरफ से की गई है। तो देखिए, ये वो लेटर है और इस लेटर के जरिए आप देखिए, इस लेटर में जो है शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल आपको बता दें कि सपा सरकार में नगर विकास मंत्री रहते हुए आजम खान ने रामपुर में एक सीवर लाइन बिछाई थी और पूरा मामला यह है कि आजम खान ने रामपुर में 145 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज प्लांट की को लगाया था, लाइन बिछाई थी, लेकिन वो मिट्टी में धस गई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बाद में चेन्नई की निजी क्षेत्र की कंपनी के 6 अधिकारियों कर्मचारियों की 2 टीमों ने रामपुर में सीवर लाइन के काम न करने की जांच की, तो जांच में ये पता लगा कि रामपुर शहर में जो सिविल लाइन बिछाई गई वो सब सॉइल में बिछाई गई और सिविल लाइन की मानकों के अनुसार जॉइंटिंग नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान ने नगर विकास मंत्री रहते हुए रामपुर की जो जल निकासी की व्यवस्था थी, नालियों का, नाले का पानी वो प्रॉपर वे में प्रोसेस होके और जो प्रदूषित पानी है वो साफ होने के बाद नदियों में जाए, उसके लिए इस तरह की ये सीवर लाइन बिछवाई थी शहर के अंदर 145 करोड़ रुपए से। और उस ये एक प्लांट है, सीवरेज प्लांट, जहां पर पानी को साफ करने के बाद नदियों में जाना था। कोसी नदी रामपुर के पास से गुजरती है, उसमें रामपुर का जो भी पानी है नालों का वो जाना था। और ये एक प्लांट है, आप देख सकते हैं बंद पड़ा हुआ है। इस तरह के 3 प्लांट रामपुर में बनाए गए थे, लेकिन जो सीवर लाइन है वो धस गई, उसकी वजह से सीवर लाइन ना चलने की वजह से जो प्लांट थे वो बंद पड़े रहे। जल निकासी की व्यवस्था थी और जो योजना थी सीवर लाइन की वो ठप पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि तमाम मशीनरी जो है वो पिछले कई सालों से बंद है यहाँ पर, और जो सीवरेज प्लांट बनाया गया था करोड़ों रुपए की लागत से वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो सका। और जो रामपुर की जनता को सीवर लाइन का फ़ायदा मिलना चाहिए था, यहाँ के जो नाले हैं और जो नालियाँ हैं उनका जो गंदा पानी है वो प्रॉपर वे में प्रोसेस होके नदी में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में जो रामपुर में विकास कार्य हुए थे और जो ठप पड़े हैं उस पर एक बड़ा राजनीतिक सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। वैदुर रहमान, एबीपी नेटवर्क, रामपुर। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि पूरे मामले की सीएम योगी से शिकायत की गई है। जनता का 145 करोड़ पानी में बहा दिया गया, जिसका हिसाब तो देना ही होगा। बात करने के लिए हमारे साथ खुद विधायक आकाश सक्सेना जी हैं। सर, ये बताइए क्या शिकायत थी सिविल लाइन की और क्या पूरा मामला है ये? सारे नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर एक सिविल लाइन का काम किया गया था, जो बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ, और उस काम की खासियत ये थी कि रातों रात उसमें सिविल लाइन के काम किए गए। ये काम CDS द्वारा किया गया था। हमने तभी जब इसकी शिकायत की थी तो उसी के परिक्षेप में 2022 फरवरी में वहाँ से पूरी रिपोर्ट की टीम बनी थी। उसमें पूरी टीम बनने के बाद उसकी जांच आख्या में ये साफ साफ कहा गया कि मानक के अनुसार जो लाइन पड़नी चाहिए थी वो नहीं डाली गई। लाइन के नीचे एक RCC बेस बनता है ताकि सीवर लाइन सही रूप से काम करती रहे, सारे उसके ज्वाइंट खुल गए। हमारी मांग ये है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा है कि इस जांच को देखते हुए किस नेता के दबाव में CDS के अधिकारियों द्वारा ये काम इतनी जल्दबाजी में किया गया। जनता का 145 करोड़ रुपया पानी की तरह जो यहाँ बहाया गया, उसके पीछे कारण क्या है? अब इस जांच रिपोर्ट के बाद एक रुड़की की टेक्निकल टीम इस सब चीज़ों की जांच करेगी। मुझे लगता है 2 महीने के अंदर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी।
उनके द्वारा किए गए अगर देखा जाए तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसका सीधा सीधा लाभ जनता को मिलना हो। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई व्यक्तिगत कारण यहाँ छुपा हुआ है, और ये सभी को पता है कि एक व्यक्ति ने अपने संस्थान को चलाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर सरकारी पैसे में किस तरीके से आग लगाई, पानी की तरह पैसा बहाया, और उसका लाभ जनता को ना मिलके व्यक्तिगत उसका लाभ उठाया। रामपुर की सीवर लाइन चौक है और उसको चल नहीं पा रही है, उसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है और इसकी हाई लेवल जांच की मांग की है। वैद्य रहमान के न्यूज नेटवर्क रामपुर। और देखिए, प्लांट मैनेजर वसीम जफर का इस पर कहना है कि पूरी लाइन मानकों के विपरीत बिछाई गई, अधिकारियों ने गुणवत्ता की सही से जांच नहीं। और प्लांट के मैनेजर हमारे साथ वसीम जफर साहब हैं, इनसे ये बताइए जो सीवर लाइन बिछाई गई थी सपा शासन काल में, वो रामपुर में क्यों काम नहीं कर रही है? असल में ये 2006 से इस प्रोजेक्ट पे काम हुआ था सीवर नेटवर्क में। 2006 से 2012 तक 145 करोड़ की लागत से सीवर नेटवर्क बनाया गया, और फिर ये एक दो साल सीवर नेटवर्क चला, और उसके बाद ये सीवर नेटवर्क सारा का सारा कोलैप्स हो गया। इसमें दो कारण थे, एक तो जिन्होंने लाइन डाली उन्होंने भी अपने मानकों के आधार पर काम नहीं किया, और जिसमें जो भी अधिकारी रहे हुए कुछ टाइम पर उन्होंने उसकी जांच पड़ताल ठीक से नहीं करी, उसकी वजह से काम ये ठीक से नहीं हुआ। बहुत से अधिकारी हैं, सारे लोग बर्बाद हो गया, इसकी शिकायत आकाश सक्सेना ने की है और इसकी जाँच जो है चल रही है। वैद्य रहमान, न्यूज नेटवर्क रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।